अपना लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या अपना क्वेश्चन दिया, यदि एक्स प्लस वन अपन एक्स बराबर फाइव, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का क्या करें, मान ज्ञात करें। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का क्या कराइए, मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको यहाँ पे क्या एक्स प्लस वन अपन के लिए क्या ट्रिक होता है, देखिए यहाँ पे प्लस है तो आपको क्या ट्रिक है इनके लिए, ए स्क्वायर माइनस टू, क्या है इनके लिए ट्रिक, ए स्क्वायर माइनस टू। यदि यहाँ पे प्लस दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे क्या हो कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, तो आपको क्या पूछेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर पूछेगा, तो उनके लिए क्या ट्रिक है, ए स्क्वायर माइनस टू। और देखिए दूसरा क्या है, यदि आपको यहाँ पे क्या एक्स माइनस वन अपन एक्स बराबर कोई नंबर चारे मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का मान पूछेगा, तो क्या है उनके लिए ट्रिक, ये है ट्रिक, उनके लिए क्या ट्रिक है, आप इनकाउंटा ए स्क्वायर प्लस टू, यानी कि प्लस वाले में क्या माइनस लगा देना है। यदि यहाँ पे माइनस लगा, यदि यहाँ पे माइनस लगा हुआ रहेगा तो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये प्लस वाला। यदि यहाँ पे प्लस लगा हुआ रहता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये माइनस वाला। चलिए क्वेश्चन करके अपना लोग कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, एक जगह पर कितना हुआ, एक जगह अपना पाँच है, सिर्फ अपना लोग को यही पता करना, उनके बाद इनका आंसर ही आ गया। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, पाँच का क्या करना पड़ता है, स्क्वायर, और घटा कितना, दो। तो आपको कितना इनका आंसर आ गया, तो आप लोग कह सकते हैं पाँच का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, घटा दो कर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 23 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेकर के अपना और कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। ठीक है, उनके बाद इस पैटर्न पे आएंगे, तो आप लोग भागिएगा मत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर नौ मान लेते हैं, क्या एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर नौ ले लिए, तो अपना लोग को क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या वाट, ये अपना लोग को निकालना। देखिए क्या करता है, सिंपल सी, यह प्लस में यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस में है तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, आप लोग को पता है वही ए स्क्वायर माइनस टू वाला ये ट्रिक काम करेगा। ठीक है, तो इसको अप्लाई कर देते हैं, एक जगह कितना है नाइन, तो नाइन का स्क्वायर माइनस टू, नाइन का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 81 घटा दो, तो आपको ये कितना हो जाएगा, तो 79 इनका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 79 इनका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए तब अब चलिए तो अब अपना लोग इन फॉर्मूला पे आते हैं। देखिए इनको कैसे करेंगे अपना लोग इनसे कोई प्रश्न को, देखिए आपको क्या दिया रहेगा, यदि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर मान लेते हैं 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला ठीक होता है, यहाँ पर माइनस है तो क्या यूज करेंगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस टू, ए स्क्वायर प्लस टू इनके लिए ट्रिक होता है, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू, एक जगह कितना है 6 है, तो क्या करेंगे सिंपल से, 6 का स्क्वायर प्लस का 2, कितना हो जाएगा आपका 36 प्लस 2 बराबर आपका 38 इनका राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आप लोग कोई दिक्कत न होगा, तो मैं अगले वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आप लोग इस नए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड कमेंट करके ही जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, इनके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।